ताईया सांगा ना साहेबा ने कंप्लेंट नका करेला प्लीज समझो ना। मुझे आज फिर यकीन हो गया कि आपकी और मेरी दुनिया में कितना फर्क है। देवा का लाख लाख शुक्र है ताई कि आप ठीक हो। ये भगवान की नजरों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो फिर ये क्लासिफिकेशन करने वाली तुम कौन होती हो? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया हूँ मैं। अरे कल्पी देख तो कौन आया है। राघव बाबा। इनके जान के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। प्रार्थना कीजिए कि इन्हें इनका परिवार जल्द से जल्द मिल जाए। तुम यहाँ? आप जानते हो क्या मुझे? तुम यहाँ क्या करना चाह रही हो? आप जानते हो क्या मुझे? क्यों? तुम कहीं की क्वीन हो क्या जो सब तुम्हें जानेंगे? Wasting time. Excuse me. कहाँ थी आप? आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे हम? कहाँ गई थी आप? मेम साहब, आप यहाँ? वो हाँ रास्ता भटक गई होंगी। शायद ये औरत मुझे पहचानती है। मेम साहब, क्या आप ताई को जानती हो? अरे नहीं, मैं कहाँ जानती हूँ इसे। वो मैं इसे कोई और समझ रही थी। एक ही शक्ल के सात लोग होते हैं ना दुनिया में, तो छोटी सी गलतफहमी हो गई थी बस। हाँ अब याद आया, वो तूने बोला था ना होली में कि ये तेरी फ्रेंड है। हाँ 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 वही तो, इसलिए। लेकिन मेम साहब, आप यहाँ मंदिर में? क्यों, मुझे मंदिर में आना अलाउड नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो मैं मम्मी जी के लिए प्रसाद लेने आई थी। जा रही हूँ अभी। अच्छा चले। हाँ चलिए ताई। इसने मुझे सच में नहीं पहचाना, ये नाटक कर रही है। भगवान किस मुश्किल में फंसा दिया तूने। मुझे लगता है उसने मुझे पहचान लिया सर। कुछ बोली नहीं, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। मुझे बिना बताए तुम वहां गई क्यों थी? तुम जानती हो अगर तुम्हें धक्का देते हुए कोई देख लेता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने गई थी ना मैं, तुम्हारा टेंशन खत्म करने गई थी। कुछ शॉपिंग फेशियल या स्पा करने नहीं गई थी जो मेरे ऊपर चीख रहे हो तुम। डैमिट। ओके, आई एम सॉरी। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गौरी अब बच नहीं पाएगी। ना ही मेरा फोन उठा रहे, ना ही फोन का जवाब दे रहे, मैसेज भी नहीं किया। कितने सारे मिस कॉल्स होंगे फिर भी। गलत तो उन्होंने समझ रखा है मुझे। अगर इतना फोन कोई दुश्मन भी करे ना तो भी लोग उठा लेते। इतने बिजी है क्या? पता नहीं, अगर आज छुट्टी नहीं होती ना तो मैं उन्हें बताती। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं होता। कितना बुरा लग रहा होगा कल्पी को। ओए, अब तू फोन उठाने का बहाना मत ढूंढ। जब उसका दिल दुखेगा ना तभी तेरे दिल का दर्द समझेगी वो। अब तक तो तू उसके पीछे जाता था, अब उसको तेरे पीछे आने दे। जो तू अब तक फील करता आया ना उसे भी वही फील होने दे। इसलिए प्लीज फोन उठा के प्लान चौपट मत कर।
सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज फोन करो ना। तुझे पता है कल्पना कैसे रिएक्ट कर रही होगी? बेचैन होगी, यहां वहां टहल रही होगी। आई नो, कभी हाथों को मसल रही होगी, कभी फोन को देखते हुए अपने बालों को कानों के पीछे कर रही होगी। किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा उसका, कभी चीजें समेट रही होगी, कभी बिखेर रही होगी। बस यही बेचैनी बढ़ने दे उसकी। जब यही बेचैनी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी तो वो खुद दौड़ के तेरे पास आएगी। शायद आज रात को उसको नींद भी ना आए और कल जो तुझे मिले एक अलग ही कल्पी मिले। हाँ। क्या हो गया? अरे बाबा सॉलिड खुशबू है, मजेदार। ताई मैं कैसी लग रही हूं? थैंक यू आई। क्या बात है कल्पी, आई टिफिन तैयार है? हाँ हाँ तैयार है। क्या बात है कल्पी, आज सुबह उठकर एकदम तैयार होकर ऑफिस जल्दी जा रही है, कोई फंक्शन है क्या? फंक्शन? मेरे कपड़े फंक्शन वाले लग रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा तैयार हो गई क्या? नहीं रे, तेरी आई तो कुछ भी बोलती है, बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। यार कल्पी आज तो बड़ी खुशबू उड़ाते जा रही है तू। मौसम खुशबू का ही है। हाय कमला माँ, आई लव यू। अरे पाखी, कल का संडे मेरी लाइफ का बेस्ट संडे था। पूछो क्यों? क्योंकि राघव सर पूरी सुबह और पूरी दोपहर मेरे नजरों के सामने थे। ये तो अच्छी बात है बेटा। और आपको पता है क्या, वो तो मेरे साथ पूरी रात भी थे। क्या क्या मतलब है तेरा? अरे सपनों में कमला माँ, हाय कितना रोमांटिक सपना था वो। देवा थोड़ी पर लाज नहीं है तुला, बेशरम तू बहुत बदमाश हो गई पाखी। टेंशन होता है मेरे को, टेंशन तेरा सोच के। अरे आपसे क्या शर्माना कमला माँ, एक आप ही तो हो जिससे मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ, आप ही तो हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे प्लान कभी फेल नहीं होते राघव। No chance. She's always on time. ना एक मिनट पहले, ना एक मिनट बाद। चल लगी 500 की शर्त। आज तो तू पक्का हारेगा। कल्पना ऑफिस पहुंच भी चुकी होगी और बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं आई। बस देखा? क्या यार? रामू। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, कोई आया नहीं अभी तक? सर अभी टाइम कहाँ हुआ है? हाँ वो कल्पना मैडम आ गई हैं, अगर कुछ काम हो तो उन्हें बुलाऊं। तुम जाओ। ओके सर। अब निकाल 1,000 रुपए। चल माफ किया, लेकिन ये तो कबूल कर कि इग्नोर करने का मैजिक तुझे समझ आया। अब ध्यान रखना, उसको भाव मत देना। जैसे मैं कहता हूं वैसे कर, इग्नोर कर उसे। दिस इज नॉट राइट। वो नाराज हो गई तो, अगर सचमुच में हर्ट हो गई तो? फिलहाल तू अपने दिल की सोच।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्पना, आज तो बड़ी डिफरेंट लग रही हो, कोई खास बात? नहीं सर। क्या हुआ, आज तुम जल्दी आ गई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आज महीने का आखिरी दिन है, मतलब तुम्हारा इस ऑफिस में 30वां दिन। तुम्हारे 30 दिन का चैलेंज वो पूरा हो गया है ना? तो क्या डिसाइड किया तुमने, तुम्हें इस ऑफिस में रहना है या नहीं? इट्स फाइन कल्पी, तुम जो भी डिसाइड करोगी मुझे मंजूर है। मैं चाहूंगा कि तुम इस ऑफिस में काम कंटिन्यू करो, ताकि तुम्हारी मर्जी। बता देना मुझे तुम्हें काम करना है या नहीं। ओके। राघव, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी है ना, कम। बता क्या क्या मीटिंग्स है आज के लिए। या कम इनसाइड। मैं तुम्हें एक लेटर ईमेल कर रहा हूं, वो सारे एम्प्लॉयज जिन्हें फर्स्ट टाइम सैलरी मिलने वाली है उनके लिए ड्राफ्ट कर दो। यस सर। ये तो क्या कर रहा है? अपने प्लान के 100% सक्सेसफुल होने की प्लानिंग कर रहा हूं। अब क्या करूं सर? से मैंने कह तो दिया जिद में कि 30 दिन में अगर प्रमोशन नहीं मिला तो ये जॉब छोड़ दूंगी। मैं भूल गई, लेकिन सर को याद है। सचमुच चाहते हैं कि मैं चली जाऊं यहां से, तो फिर इतने दिनों तक मुझे पसंद करने की बात क्यों कर रहे थे? और आज जब मैं खुद उनका साथ चाहती हूं तो अब क्या करूं, क्या कहूं उन्हें? हेलो, यूहू, से तेरे सामने बैठी हूं, कहां खोई हुई है? कहीं भी तो नहीं। पक्का? हाँ। तू यहां क्या कर रही है अपना काम छोड़कर? यार एक प्रॉब्लम है, मेरी ना एक फ्रेंड है जो बिल्कुल तेरी तरह खोई हुई रहती है। आई थिंक उसे किसी से प्यार हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो भी लड़कों से प्यार करता है या नहीं। लड़कों का क्या, उनकी सोच उनकी बातें कभी कभी लड़कियां समझ ही नहीं सकती। एक पल कुछ और दूसरी पल कुछ और। अब आई मीन यही सब सुना था मैंने बाकी लोगों से। अच्छा, और तेरा दिल क्या कहता है? मुझे क्या पता लड़कों के बारे में, मैं नहीं जानती। क्यों, तुझे कभी कोई पसंद नहीं आया? कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? कोई तो आया होगा तेरी लाइफ में। बकवास बंद कर पाकी,
सुबह शाम बस में और दिन भर ऑफिस में, कौन आएगा मेरी लाइफ में? तू भी ना। अगर मेरी लाइफ में तो है। मेरा मतलब है कि मैं भी जानती हूँ थोड़ा थोड़ा लड़कों के मूड के बारे में। तो ठीक है ना, जा और अपनी फ्रेंड से कह दे मुझे अपना काम करने दे। हाँ मिस्टर सक्सेना, या आई एम श्योर सैमी ने सब कुछ अरेंज कर लिया होगा और रॉ मटेरियल सुबह तक पहुंच जाएंगे। या आई गेट यू। ऑलराइट मिस्टर सक्सेना, ऐसे करेंगे मीटिंग में बाकी बातें कर लेंगे। करूं, जाकर बोल दूं क्या कि मुझे कहीं नहीं जाना है ऑफिस छोड़कर, ना इनको छोड़ना है। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर वो चाहते मैं यहां से ना जाऊं तो मुझे ये बात कहते ही क्यों? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जला दिया ना हाथ? स्टूपिड गर्ल। अगर आपको मेरी इतनी ही परवाह है तो सुबह जाने की बात क्यों की मुझसे? मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। क्यों नहीं कहा कि मत जाओ, यही रुक जाओ मेरे पास? तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है? गुस्सा क्यों नहीं हुई कि मैंने तुमसे जाने की बात कही? तो कही कैसे? गुस्सा तो हूँ, मगर मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़ के, आपके पास रहना है। राघव, तुझसे कोई मिलना है, जल्दी चल, चल चल। एक शब्द तक नहीं कहा आपने। जब इनको ही मुझसे कोई मतलब नहीं तो मैं क्यों पीछे पड़ू उनके? मगर मेरा मन नहीं है जाने का, पर कैसे कैसे कहूं उनसे? ए विठल, वो देख, आजकल टेम्पो पर भी लाल बत्ती रहती है। पता नहीं किसका सामान है, लेकिन आ तो अपनी तरफ ही रहे हैं। क्या काम है? ये सामान की डिलीवरी देने का था, पर हमने तो कुछ नहीं मंगवाया। दिखाइए मुझे। तो ये क्या रहा है? देखिए ना। विठल पढ़। लिखा तो कमला विठल ज्यादा भी है। एड्रेस भी इधर का है और खोली नंबर भी यहीं की है। कमाल है, खोली मेरी। मैं कह रहा हूं, जब मैंने कोई सामान नहीं मंगवाया फिर भी तुम घर में घुसे चले जा रहे हो। लगता है उन्होंने खोली नंबर गलत लिख दिया। हाँ। अरे तो छोड़ना विठल, परेशान है बेचारे। चल हम लोग आजू बाजू की खोली में देखते हैं, शायद उन्होंने मंगवाया हो। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। सरला ताई, ताई, आपने कोई सामान मंगवाया है क्या?
भैया उस एट का फोन आ गया था ताई, चौल का नंबर ही गलत है। थैंक यू। हाँ चल चल। एक उसने जो पता दिखाया था उसमें नाम तो कमला विठल ज्यादा भी लिखा था, फिर ये खैर छोड़। ताई वो कहीं वो कारपेट वाले विठल। ये आई बाबा इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? विठल मुझे लगता है हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। मगर आए कौन थे ये लोग, क्या हुआ? पता नहीं पक्या, लगता है ताई को लेकर गए हैं। आए तू चिंता मत कर, मैंने उस टेम्पो का नंबर नोट कर लिया है, ये देख। हाँ कल्पी, कल्पी का फोन है विठल। कल्पी को कुछ मत बताना, फालतू में टेंशन लेगी। हम एक काम करते हैं, उस कांस्टेबल के पास चलते हैं, उसने तुझे बहन भी माना है और कहा भी है कि हमारी मदद करेगा समय आने पर। हाँ हाँ चल चल पक्या। ये आई भी ना पता नहीं कहाँ फोन रखती है। ए मेरी कमला माँ के बारे में कुछ मत कहना ओके। ये बॉन्ड साइन किया तूने? नहीं मैंने नहीं पढ़ा, क्या है इसमें? ये एक बॉन्ड है जो सब इंटर्न्स को साइन करना पड़ेगा कि 6 महीने तक वो कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। तूने किया साइन? हाँ मेरा बस चले तो मैं राघव के साथ लाइफ टाइम का बॉन्ड साइन कर लूं। कुछ कहा तूने? नहीं चल शॉपिंग चलते। क्यों? क्यों क्या, फर्स्ट सैलरी मिली है, कमला माँ के लिए कुछ खरीदेगी नहीं? लेकिन अभी तो ऑफिस आवर्स है। लंच टाइम है ना, फटाफट होके वापस आ जाएंगे। चल अच्छा एक मिनट मैं बैग लेके आती हूँ। होश में लाओ इसे। कहाँ हूँ मैं? कोई है यहाँ? सवालों का जवाब तुम्हें देना है, बोलो क्या बताया तुमने कमला को अपने बीते हुए कल के बारे में? सुना नहीं, बताओ क्यों तुम कमला की रिश्तेदार बनकर उस चौल में टिकी हुई हो? एक चौल में रहकर क्यों तुम अपनी असलियत छुपा रही हो? तुम क्या कह रहे हो? हाँ मुझे कुछ नहीं पता। भनवत प्लीज मुझे जाने दो। कदम में शिंदे बोलते है, मेरी बात ध्यान से सुन, हम एक टेम्पो को ढूंढ रहे हैं, वो टेम्पो इसी इलाके में होना चाहिए, माला इलाके की इन्फॉर्मेशन देता है, समझ लेगा? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे टॉर्चर करो, मारो इसको। ये प्लीज अच्छे से बैग में पैक कर देना। बस इतना सा सामान, उसके लिए क्या लिया तेरे मिस्टर स्पेशल के लिए? कुछ भी बोलती है। अरे यार मजाक कर रही थी, तेरा बीपी ना 1 मिनट में हाई हो जाता है। वो टेम्पो तो इसी इलाके में ही होगा, वो पिछले नाके से ही गुजरा है ना, मिल जाएगा वो। आई बुरा वोरा 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 वही टेम्पो सामने लो, सामने सामने वही है, वही है, वही साइड लगे। छोड़ दो, छोड़ दो। अगर बचना है तो बोलो क्या बताया तुमने कमला को? क्या बताऊंगी कमला को? कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। एक मिनट
तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे जानती हो। बताओ मुझे कौन हूँ मैं, मेरी पहचान क्या है, बताओ मुझे, बताओ कौन मैं। लगता है सच में इसकी याददाश्त जा चुकी है। इतना टॉर्चर सहने पर तो बड़े से बड़ा गुंडा भी सच बोल देता है। ना इसे कुछ याद है और ना कमला को कुछ पता है। क्या करेंगे? इसे मार दो। किला पुलिस यहाँ पे कैसे आ गई? जल्दी चलो, कम कम कम। पता नहीं ताई किस हाल में होगी, साला भाव। क्या होगा सर? पुलिस आ पहुंची, हमारा प्लान कहीं? डोंट वरी, जब तक ये लोग ऊपर जाएंगे तब तक मेरे आदमी उसको खत्म कर चुके होंगे। अब हमारा कोई प्लान फेल नहीं होगा। हमें सिर्फ ये देखना कि पुलिस की नजर हम पे ना पड़े, समझे? चलो लेट्स गो। विठल, ये देख ताई का मंगलसूत्र। बाहर जाने का रास्ता एक ही है, शायद वो टेरेस पे गए हों। चलो देखते हैं। चल। गिराए से। ताई। ए, रुक। भाग। सब ठीक है ताई, सब ठीक है। बेचारी को पता नहीं कितना सताया होगा, पता नहीं कौन है, कहाँ है इनका परिवार। दो घंटे हो गए, मैं अपनी मीटिंग भी खत्म करके आ गया, मगर कल्पी अभी तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं उसने जॉब छोड़ने का मन बना लिया? डैम, गलती कर दी मैंने। क्या हुआ? ये क्या है? Just read it. वो कहीं नहीं जा रही है, उसके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है, वो यहीं रहेगी मेरे सामने। सर, ये आपके लिए। ये क्या है? चीजें से बाद में खोलना, इट्स समथिंग स्पेशल। देखना राघव सर को मेरा गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा।
कमला माँ से ही बात कहती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। बाकी राघव ने तुम्हें थैंक्स बोला है, लेकिन वो तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता। पर क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय से गिफ्ट लेना उसका असूल नहीं है। पर इट्स जस्ट अ फ्रेंडली गिफ्ट यार। या बट उसको ये गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव लगा। दिस इज नॉट फेयर, मैं बहुत प्यार से लाई थी। सर, इस पेन ड्राइव में वो सारी फाइल्स है जो आपने मंगवाई थी। गिफ्ट बहुत पसंद आया और तुम्हारा यहां रुके रहने का फैसला भी। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे थैंक यू फॉर स्टेइंग बैक। बैठिए विठल मंगलसूत्र। नहीं, मैंने बड़े साहब से बात की है, या तो मैं खुद आऊंगा या फिर कोई दूसरा औला शादी वर्दी में आपके घर के आसपास रहेगा। धन्यवाद साहब। कमला ताई, निकालो उस औरत को घर से बाहर। हाँ, निकालो, वो यहाँ नहीं रह सकती। पता नहीं क्या लफड़ा करके आई है, बाहर रहो उसके साथ। निकालो बाहर, निकाल दो उसे बाहर। ताई आपको कुछ नहीं होगा। आ रहा हूँ कमला ताई उस औरत को लेके। क्या बात है मंदा, इतनी मचमच क्यों कर रही है? देख कमला ताई, बात मेरी अकेले की नहीं है, बात हम सबकी सुरक्षा की है। अरे पुलिस आ गई, गुंडे आ गए हमारी चाली में, हमारी चाली का नाम बदनाम हो रहा है। और वो औरत मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे पुलिस का भी कोई लफड़ा है, पता नहीं क्या करके छिपके बैठी है यहाँ पर। क्या मेरे घर में कोई मेहमान नहीं रह सकता? क्या दिक्कत है तुझे मंदा? ऐसे मेहमान है कमला ताई जिनका ना कोई घर है ना ही कोई ठिकाना है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो तू हम लोगों को बता नहीं रही है, लेकिन हम लोगों को कोई लफड़ा नहीं मांगता है। हाँ, निकालो उसको बाहर। अरे चाचा कहाँ जल्दी में आ रहे हो, घर में घुसने की जरूरत नहीं है, पहले पूरी बात सुन लो फिर घुसना, समझे? ये औरत कमला के साथ साथ मेरी भी बहन है। और इसे घर से बाहर निकालने से पहले मुझसे निपटो, उसके बाद जो करना कर लेना। समझ में आई कि नहीं बात? अगर किसी ने इस औरत को हाथ भी लगाया तो याद रखना मैं छोड़ेगा नहीं उसको। चलो अब जाओ यहां से। अब सुना नहीं तुम लोगों ने, जाओ यहां से। केड़ा हो गया ये? चल चल चल। चलिए ताई आप अंदर चलिए। सॉरी नीतू मेम साहब, आजकल ना तुम्हारी किस्मत फुटेली चल रही है, ये लोग तो उसके रिश्तेदार बनकर बैठे हैं। ताई, आपको कुछ नहीं होगा, आज से आप हमारी मेहमान नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। मंदा ने इस गौरी को भगाने की कितनी कोशिश की, ये के यहाँ जम के बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से वो विट्ठल उसका भाई बने बीच में कूद पड़ा, सारे प्लान को चौपट कर दिया मियां बीवी ने। पर नीतू भी कम नहीं है, ऐसे हार थोड़ी ना मानूंगी। मेम साहब, आप यहाँ चाल में आइए ना, अंदर आइए मेम साहब। अरे नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो असल में ना मंदा अपनी तनख्वाह लेना भूल गई,
तुझे तो पता है कमला, मैं किसी का हक नहीं मारती। तू वही देने आई थी तो सोचा तुझे भी देख लूं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मेम साहब। और वो तेरी फ्रेंड आई थी, वो कैसी है? वो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी वो ताई आराम कर रही है अभी। अच्छा अच्छा, ये क्या है, इसके हाथ पे खरोच कैसे है? वो ताई, ताई अपनी याददाश्त खो चुकी है। लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। आज भी कुछ लोग उनके जान के पीछे पड़े हैं। देवा कभी खुश नहीं रखेगा उनको, सत्यानाश हो उनका, कीड़े पड़े उनको। हाँ अच्छा, बस बस कमला, इतना देर मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, ऐसे क्यों बोल रही है तू? कौन कौन है? ताई वो मेरी मेम साहब है, मुझसे मिलने आई हैं। आप टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा आपको। कमला वो अच्छी औरत नहीं है, उसे निकालो यहाँ से, भगाओ यहाँ से। ताई वो चली गई, आप सो जाओ, सो जाओ आप, चलो। मेम साहब रुकिए ना, सारी मेम साहब, ताई की बात का बुरा मत मानना आप। वो क्या है ना, ताई की तबीयत कुछ सही नहीं रहती, इसीलिए कुछ भी किसी को भी कह देती है वो। नहीं नहीं कमला, तो बीमार की बात का क्या बुरा मानना, ऐसा कुछ नहीं है। कमला मैं कह रही थी, तू कोई डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती इन्हें? मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ, बहुत अच्छा इलाज करता है, तू कहे तो ले आऊं इन्हें यहाँ। नहीं देख, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ना उन्हें। इट्स ओके, मैं ले आऊंगी ना डॉक्टर को, तू कोई पराई थोड़ी है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना तेरे लिए। पर मेम साहब वो, देख मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, सारे पुण्य तू क्यों कमाएगी, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ ना तेरे लिए। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक पार्टी अरेंज किया जाए, इस बहाने कल्पना और मैं एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, और हो सकता है वो मुझे अपने दिल की बात भी कह दे। थैंक गॉड, मेरी कंपनी का असर आ रहा है तुझ पे। तेरे घर पे रखते हैं पार्टी? नो वे, आई लाइक माय प्राइवेसी। अच्छा, पहले तो तुझे अकेला रहना पसंद था, तुझे प्यार और मोहब्बत के नाम से चिढ़ थी, तेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी प्यार आया ना तेरी लाइफ में, और फिर जिसे दिल में जगह दी है तो घर तो उसका अपने आप ही बनता है ना यार। या कल्पना, कम इन माय कैबिन प्लीज। अब तू क्या कर रहा है? तूने कहा ना कि तेरे कंपनी का कुछ तो असर आया मुझ पर। आपने बुलाया सर? या कम। अच्छा मैं वो मीटिंग फिक्स करके आता हूँ। कल्पना मैं एक छोटी सी पार्टी थ्रो करना चाहता हूँ। फॉर माई बिजनेस पार्टनर्स, टोटली कैजुअल, नथिंग कॉर्पोरेट, और मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी तुम अरेंज करो। मैं सब, मुझे नहीं आता ये सब, मैंने कभी नहीं किया। There's always a first time. Believe me, तुम ये पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगी। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अब मैं चलूं? हाँ,
डोंट वरी, ये इंजेक्शन लेने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। ताई, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। बस एक मिनट की बात है, आपको पता तक नहीं चलेगा। नहीं। आप प्लीज इन्हें पकड़ लीजिए। भरोसा रखो ताई। बस ये डॉक्टर मेरा काम करते, फिर इस गौरी को कोई नहीं बचा पाएगा। ताता, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता मेम साहब ने डॉक्टर को क्यों बुलाया और इन्हें हम लोगों से इतनी हमदर्दी कब से होने लग गई। कल्पी, तू भी ना अपने बाबा की जैसे बात करने लगी है, बात बात पर शक करती है। क्या हो गया तुझे? नीतू मेम साहब इतनी बुरी भी नहीं है, समझी? वो चाल में मंदा के काम से आई थी, ताई की तबीयत देखी और डॉक्टर घर लेकर आई। बस ये दवाइयां आप इन्हें टाइम टाइम से देते रहिएगा। बहुत अच्छा किया तुमने, गुड। वैसे मैंने मेडिसिंस दी हैं, वो खाकर उस औरत की याददाश्त तो वापस नहीं आएगी। हाँ, नींद जरूर आ सकती है, तो ख्याल रखना होगा कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ओ जी, अब हो गया तो फिर ऊपर वाले की मर्जी। आपने अपना काम कर दिया ना, अब वो अपना काम करेगा। अच्छा जी, चलो। पार्टी का प्लान रेडी है ना? जी। गुड। मेरे घर का क्या हाल कर दिया है तुमने? ऐसे कोई पार्टी प्लान करता है? कुछ नहीं आता तुम्हें, सब तेरी गलती है, तेरी। कहा था तुझसे कि पार्टी कहीं और रखते हैं, ये बिखरा हुआ घर मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है शायद इसीलिए कल्पना तुझे हाँ नहीं कह रही है। बोलना, कहीं कल्पना भी तेरी एक जिद तो नहीं? मैं उसे समझा दूंगा कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। I'll do it। ये क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।